हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई अनंत पर। और आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह एक कहानी के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे कहानी है जिसकी, उस बच्चे का नाम है रवि। तो रवि काफ़ी दिनों के बाद जब स्कूल की छुट्टियाँ खत्म होती हैं तो वापस अपने स्कूल जाता है। और स्कूल के पास वो अपने एक प्लेग्राउंड को देखता है, एक मैदान को देखता है जो कि लास्ट टाइम उसने जैसा देखा था वैसा नहीं है, क्योंकि अब उस मैदान में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। और उसको बताते हैं वहाँ के लोग कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी और उस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स बनाए जाएंगे वो लोगों को बेचे जाएंगे। तो रवि काफ़ी दुखी हो जाता है और बिल्कुल रोने जैसी उसकी हालत हो जाती है, क्योंकि ये वही प्लेग्राउंड था जहाँ पे एक टाइम था कि वो वहाँ पे खेला करता था। वहाँ पे उसको नरम नरम घास देखने को मिलती थी और आप उसको मैरीगोल्ड के फ्लावर्स और बटरफ्लाईज वहाँ पे देखने को मिलती थी, जो कि अब उसको नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड उसने अपनी ये जो फीलिंग थी ना अपने दोस्तों के साथ भी बताई। और फिर जब वो स्कूल पहुंचता है और जब वहाँ पे असेंबली होती है तो असेंबली में जो उनके प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो भी ये कहते हैं कि सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। तो रवि बोलता है अपने मन में कि ये एनवायरमेंट आखिर होता क्या है। और फिर वो अपने टीचर से पूछता है, मैडम ये एनवायरमेंट क्या होता है। तो उसकी टीचर जवाब देती है कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर, है ना। तो मैडम कहती है जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो आपका एनवायरमेंट है। तो रवि कहता है क्या इसका मतलब ये है कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स, कुर्सी, क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड जो कि उनका मैदान था स्कूल का, और द रोड, द गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो मैडम कहती है हाँ बेटा ये सभी तुम्हारा एनवायरनमेंट है, यही सब तुम्हारा वातावरण है। तो अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर जरा डिस्कस कर लें। तो जो भी चीज़ मैंने आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करी है वो आपको बहुत अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, स्टोरी हमने देख ली, अब हमें एनवायरनमेंट के बारे में देखना है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो हमारी हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, उसको एक सिस्टम है जो बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। वो सिस्टम क्या है, वो हमारे आसपास का हमारा एनवायरनमेंट है जो कि हमारी लाइफ का एक बेसिक सपोर्ट है। और ये हमारा एनवायरनमेंट जो है यही हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, जो हमारी हवा है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमें हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हमारा एनवायरनमेंट हमको पीने के लिए पानी प्रोवाइड करता है, खाने के लिए खाना प्रोवाइड करता है, और जहाँ पे हम रहते हैं ना वो ज़मीन भी हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन हम जो इंसान है वो हमारे एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई मीन उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो कार हम चलाते हैं उससे निकलने वाला जो धुआं है वो हमारी हवा को प्रदूषित कर रहा है। आज हम पानी को मटके में भर रहे हैं, ठीक है, हम पानी को कंटेनर में भर रहे हैं, लेकिन एक समय था कि अगर हमें पानी लेना होता था तो हमको पास के तालाब में या नदी में वहां तक जाना पड़ता था। और आज जो हम खाना खाते हैं वो हम बर्तनों में रखकर खाना खा रहे हैं। हम जिस जमीन पर रहते हैं वहां पे आज हम लोग घर के साथ साथ फैक्ट्रीज भी बनाने लगे हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में देखिए कितने सारे मॉडिफिकेशन कर दिए, मॉडिफाई कर दिया हमने अपने एनवायरनमेंट को। और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं तरह तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि कार हो गई, मिल्स हो गई, फैक्ट्रीज हम बना रहे हैं, मिल्स बना रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के हम कंटेनर्स बनाते हैं। तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को बना के अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं, एंड इन दिस पिक्चर यहाँ पे हमको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया। ये देखिए ये रहे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो पहला हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। ये देखिए ये रहा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में भी सबसे पहले अगर किसी की हम बात करते हैं तो वो आगे हमारा पानी वाला हिस्सा, हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर भी आपको पानी देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं वाटर या फिर हाइड्रोस्फीयर। और जिस हिस्से में आपको हवा देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और वो हिस्सा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मतलब ज़मीन का वो हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंड और या फिर लिथोस्फेयर। सो दिस इज अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। और नेचुरल एनवायरनमेंट में भी अगर आप इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर कर दें, अगर ऐसी जगह जहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं, उस जगह को हमने क्या नाम दिया है, उस जगह को हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, जिसको हमने यहाँ पे बोला है बायोस्फीयर, जहाँ पे आपको तीनों स्फीयर देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो हम इंसानों ने जो भी बनाया है वो भी हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, द पार्क्स, द ब्रिजेस, द रोड्स, द इंडस्ट्रीज, द मॉन्यूमेंट, ये सभी किस कैटेगरी के अंदर आ जाती है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमने बना दिया हमारे आसपास। और फिर बताते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में जो हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस भी क्या है, हम ह्यूमंस भी एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आदमी की बात करें, उसकी फैमिली की बात करें, उसकी पूरी कम्युनिटी की बात करें, उसके रिलीजन की बात करें, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, या फिर सॉरी जितनी भी एजुकेशनल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो इकोनॉमिकली रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, किसी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब भी हमारे एनवायरनमेंट का क्या हो गई, एक हिस्सा बन चुकी हैं। और यहाँ पर
जो मेन चीज है वो है हमारे एनवायरमेंट की डेफिनेशन. द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट. मतलब हर हर किसी जीवित वस्तु के आसपास की जो चीजें होती हैं, जैसे कि उसके आसपास की हर किसी जीवित जीवित व्यक्ति के आसपास की जीवित वस्तु के आसपास की चीजें हो गई, उसके आसपास के लोग हो गए और उसके आसपास का नेचर हो गया जो उसको घेर के रखता है, उसके अगल बगल रहता है, वही हमारा एनवायरमेंट. यहाँ पे बताते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना. तो जो हमारे एनवायरमेंट है उसमें आपको नेचर से भी बनी हुई चीजें देखने को मिलेंगी और ह्यूमन मेड बनी हुई चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी. While the natural environment refers to the biotic and abiotic conditions existing on the earth, और natural environment में आपको biotic components देखने को मिलेंगे और आपको abiotic components देखने को मिलेंगे. यहाँ पे आपको बताते हैं कि biotic component क्या होता है. The world of living organism, जितनी भी चीजों में जान होती है, जिनमें जो हर वो चीज जिसमें जिंदगी आपको देखने को मिलती है वो क्या है, वो बायोटिक कंपोनेंट में आता है. जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन हम ह्यूमंस भी बायोटिक कंपोनेंट का एक पार्ट है. और अबायोटिक में आपको बताते हैं कि द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि एग्जांपल में बोलते हैं लैंड, अगर हम जमीन की बात करें तो उसमें जान नहीं है लेकिन वो एनवायरमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन वो कैसा कंपोनेंट है हमारे एनवायरमेंट का, वो है अबायोटिक कंपोनेंट. अब आगे देखते हैं. And human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. और environment के जो component में हमने natural environment देखा और जो human environment है जो हमने बनाया है उसमें आपको हमसे ही related activities देखने को मिलेंगी, हमारे द्वारा बनाया गया चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हमारी creations आपको देखने को मिलेंगी और हर human beings के बीच में जो interaction होता है वो सब human environment में आपको देखने को मिलेगा. और देखिए यहाँ पे world origin इस box में आपको environment के बारे में एक information देते हैं कि the environment is actually a French word, मतलब एक फ्रेंच भाषा से लिया गया एक शब्द था जिसको हम बोलते हैं environer या फिर environer, आप जो भी बोलना चाहें. तो इसका मतलब होता है neighborhood, मतलब हमारे आसपास का neighborhood जो है. तो इसलिए हमने हमारा environment जो होता है वो हमारे आसपास की चीजें हैं, इसलिए हमने उसका नाम environment ही रख दिया. अब बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, जो कि नेचर ने हमको दिया है, जिसमें हमने कोई भी फेरबदल नहीं किए, जो नेचुरली हमको जो हमारे बर्थ के बाद ही हमको मिला है. तो उसमें आपको देखिए लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सभी नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गए. एंड यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, क्लास सिक्स में हमने इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा था. तो ये सब को अगर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को एक जगह मिला दिया जाए तो हमारा बनता है बायोस्फीयर. चलिए आगे देखते हैं लिथोस्फीयर के बारे में. सो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. तो हमारे पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो सतह है, जो ठोस सतह है, उसको हमने नाम दिया लिथोस्फीयर. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. और ये जो सबसे ऊपर की जो सतह है हमारी पृथ्वी की जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ये पत्थरों से मिलकर बनी है, ये चट्टानों से मिलकर बनी है, रॉक्स से और मिनरल्स से. मिनरल्स मीन्स आपको जब आप अपनी पृथ्वी के ऊपर थोड़ी सी भी खुदाई करते हैं और थोड़ी गहराई तक जाते हैं तो आपको तरह तरह के मिनरल्स देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री इंडिया में भी आपको जगह जगह खदानें देखने को मिलती है जिनको माइंस बोलते हैं. आपको सोने की खदान देखने को मिलेगी, लोहे की खदान देखने को मिलेगी, गोल्ड माइंस, आयरन माइंस. तो ये माइंस क्या है, ये सब मिनरल्स. ये माइंस हमको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, ये सब एक्चुअली हमारे मिनरल्स हैं. And covered by a thin layer of soil, and it is an irregular surface with the various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. तो जो हमारा lithosphere है उसमें आपको mountains, पहाड़ देखने को मिलेंगे, plateaus जो कि आपका plain से एक थोड़ा ऊंचे level पे जो आपकी जमीन का हिस्सा होता है, plains जो कि बिल्कुल समुद्र के बगल से जब जमीन शुरू होती है तो काफी दूर तक आपको जो plain area देखने को मिलता है जिसको हम plains बोलते हैं. valleys means दो एक नदी बह रही है दो पहाड़ों के बीच में से, तो उस पर्टिकुलर एरिया को वैली बोला जाएगा, है ना. तो ये सब आपको आपके लिथोस्फीयर में देखने को मिलता है. एंड द लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन ओशन फ्लोर्स. और ये भी बताते हैं कि लिथोस्फीयर का कुछ हिस्सा तो आपको कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेगा, जो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हमारी अर्थ पे, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, लेकिन कुछ आपको जमीन के टुकड़े समुद्र के फ्लोर पे भी देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल समुद्र पे आपको एक छोटा सा टापू भी देखने को मिल सकता है ना. तो ये सब भी आपके लिथोस्फीयर का पार्ट हो जाएंगे. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो लिथोस्फीयर ही वो हिस्सा है जो आपको जंगल देगा, जो आपको
आपको बड़े बड़े घास के मैदान देगा जहाँ पे आप आपके जो जानवर वगैरह होते हैं वहाँ पे ग्रेजिंग कर लिया करते हैं। आपको खेती करने के लिए जमीन आपको आपका एनवायरमेंट देता है जो कि लिथोस्फेयर वाला पार्ट है। ह्यूमन सेटलमेंट्स में आप लिथोस्फेयर वाले पार्ट में अपने घर वगैरह बनाते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो ये सब क्या है, एक तरह की मिनरल वेल्थ है हमारी। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट जो डायग्राम आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस कंप्लीट डायग्राम इज अबाउट द बायोस्फीयर। एंड आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दिस पार्ट इज योर हाइड्रोस्फीयर, जो पानी वाला पार्ट है। एंड ये यहाँ पे जो प्लेन आपको उड़ता हुआ दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये एटमोस्फेयर है। और देखिए यहाँ पे आपको जो बस दिख रही है, ट्रैक्टर दिख रहा है, घास दिख रही है, लिथोस्फेयर वाला पार्ट दिख रहा है। इन तीनों पार्ट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये देखिए ये बनता है हमारा, ये सर्कल सर्कुलर शेप में आपको रिंग के अंदर डिनोट किया है सबका एक कॉम्बिनेशन, विच इज नोन एज बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये रहा आपका बायोस्फीयर, ये रहा आपका बायोस्फीयर सर्कुलर पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। सो द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो हमारी पृथ्वी पर जहां जहां आपको पानी देखने को मिलेगा वो एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट है, वो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जहां पे भी आपको पानी देखने को मिलेगा, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। हाइड्रोस्फीयर में आपको नदियां देखने को मिलेंगी, तालाब देखने को मिलेंगे, आपको समुद्र देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब आपके हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हो गए। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी जिंदा चीजों के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे तीसरे पार्ट की। द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। हमारी पृथ्वी पे एक सराउंडिंग आपको देखने को मिलती है आपके आसमान में, जिसको हम बोलते हैं हमारा एटमॉस्फेयर। वहाँ पे आपको तरह तरह की गैसेस देखने को मिलेंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, है ना, और इन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ पे क्यों टिका हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी विच इज अवर अर्थ ग्रेविटी। हमारी अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही हमारी पृथ्वी के आसपास आपको एक गैस का भंडार देखने को मिलता है, जिसमें आपको तरह तरह की गैसेस देखने को मिलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर बनाती है हमारा एटमॉस्फेयर। और ये देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और हमारी सूरज से आने वाली जो खतरनाक रेज होती है जो हमारे लिए नुकसानदायक, उससे भी हमको एटमॉस्फेयर बचा लेता है, और बहुत तेज सूरज की जो गर्मी होती है उससे भी एटमॉस्फेयर हमको बचा लेता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, पर तरह तरह की गैसेस हैं। गैसेस के साथ साथ वहाँ पे आपको धूल के कुछ कण भी देखने को मिलेंगे, जिसको हम डस्ट बोलते हैं। आपको वहाँ पे पानी की वाटर वेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगी आपके एटमोसफेयर में। एंड द चेंजेस इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो आपके एटमॉस्फेयर में जब भी चेंजेस होंगे तो आपके आसपास के वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस होंगे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और जो प्लांट और एनिमल किंगडम है और ये सब जब मिल जाते हैं तो हमारा बनता है बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं ये एक्चुअली में ना तो लिथोस्फीयर है, ना तो ये हाइड्रोस्फीयर है, ना तो ये एटमॉस्फेयर है। जहाँ पे हम लोग जीते हैं ना, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, ये एक्चुअली में है का बायोस्फीयर। क्योंकि आपको यहाँ पे जमीन देखने को मिलेगी, आपको आपके जस्ट अबव आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, और आसपास कहीं ना कहीं आपको वाटर बॉडीज तो देखने को मिली जाएंगी। जिस सिटी में आप रह रहे हैं आपको वहाँ पे कोई तालाब देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपकी सिटी के बगल से कोई नदी बह रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर के बगल से बहती है गंगा नदी, ठीक है, दिल्ली के बगल से आपकी बह रही है यमुना नदी। तो ये सब हमारा एक बायोस्फीयर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये इकोसिस्टम क्या है। देखिए यहाँ पे बॉक्स में बताते हैं, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। और वहाँ पे आपको फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स दोनों ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप रह रहे हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। सबकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। आपने एनर्जी साइकिल बचपन में पढ़ी होगी साइंस के कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। तो इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में जानते हैं। फिर से ये जो येलो कलर से जो हाईलाइटेड एरिया, यहाँ पे फिर से एक स्टोरी बताई गई है। एक एनसीसी कैंप में रवि जाता है और वहाँ पे काफी बातचीत होती है, वहीं पे बात छिड़ती है कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। और इस डायग्राम में देखिए ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज योर इकोसिस्टम। लेकिन ये पर्टिकुलर इकोसिस्टम किसका, ये है अ पॉन्ड इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पे आपको तालाब है और ये तालाब का एक छोटा सा बायोस्फीयर जैसा आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको जमीन भी देखने को मिल रही है, आपको पानी में आपको बतख देखने को मिल रही है, आपको आसपास एटमॉस्फेयर तो होगा ही यहाँ पे ऊपर नीचे। तो ये आपका एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाता है, इसको हम बोलते हैं अ पॉन्ड इकोसिस्टम, एक तालाब का इकोसिस्टम।
और यहाँ पे अब इकोसिस्टम की जो हमारी मेन डेफिनेशन है वो हमको यहाँ पे बता दी गई है। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हो गए, हम इंसान हो गए, हम अपने आसपास की चीज़ों पे बहुत डिपेंड करते हैं एंड ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और हम सब एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि जो जानवर है वो इंसानों पर डिपेंड करते हैं और जो इंसान है वो कई बार जानवरों पर भी डिपेंड करते हैं, है ना। प्लांट्स हम पे डिपेंड करते हैं, अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। और प्लांट्स को जब हम ग्रो करते हैं तो वो हमको फल देता है, फूल देता है। सब हम एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक की एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो यही जो रिलेशन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके आसपास के, इनके बीच में जो भी रिलेशन है ना, आपके आसपास की चीज़ों से आपका जो भी संबंध है, यही आपका बनाता है कि इकोसिस्टम। एंड देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। और एक रेन फॉरेस्ट की बात करें जहाँ पे हमेशा पानी गिरता रहता है, उसका भी आपको एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। एक ग्रासलैंड, जो एक घास के बड़े बड़े मैदान जो हमारी धरती पर होते हैं, उनका इकोसिस्टम अलग होता है, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होता है, माउंटेन्स पे अलग इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, इवन अ स्मॉल पोंड, इवन जो हमारा छोटा सा तालाब होता है ना, उसका भी अपना खुद का इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे उसके आसपास की सभी जो चीजें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है, आप यहाँ पे ऊपर पिक्चर में देखिए, ये तालाब है, है ना। अब इस तालाब का जो पानी है तो वो जो जमीन वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे जो आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं, ये जानवर बेचारे आएंगे, इनको प्यास लगेगी तो ये तालाब से पानी पी लेंगे, है ना। इस तालाब में जानवर तो जमीन पर रह लेंगे, अब ये बतख कहाँ रहेगी, तो बतख जो हमारी बतख हो गई तो ये कहाँ पे रह रही है, ये पानी के सरफेस पे ही रह रही है, है ना। और इन सबको सांस तो इनके एटमॉस्फेयर से मिली जा रही, तो देखिए सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए ये एक इकोसिस्टम है। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। चलिए उससे पहले, हाँ ठीक है, हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की अब बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि हर साल 5 जून को, 5th of June, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो क्या है, जो हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट को देखा जाए, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो जितने भी हम इंसान हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी तरह की चीज़ों को बदल देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, और अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। आज से काफ़ी साल पहले की अगर बात करें तो जो हम इंसान लोग होते थे ना, वो कम्प्लीटली डिपेंड करते थे हमारे आसपास की चीज़ों पे। अगर पानी है तो ठीक है, नहीं है तो भाई क्या करें, दूर से पानी लेके आ रहे हैं। आज क्या होता है, किसी एरिया में पानी नहीं है, ट्यूबवेल बना लिया, बढ़िया हमने बोरिंग कर ली, जमीन में छेद करके बढ़िया वहाँ से हमने मोटर फिट कर दी, बस एक बटन दबानी है, पानी आ गया। तो हमने कुछ इस तरीके से हम अब चेंजेस कर दिए हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और आज हम अपनी एक सिंपल लाइफ जो जी रहे हैं ना, वो कैसे, क्योंकि आज हम अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हमारे आसपास के नेचर से पूरी कर लेते हैं। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। तो समय के साथ साथ जो हमारे नीड्स है ना, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और काफ़ी तरह तरह के आपको नीड्स आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। और हम सीखते जा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, अलग अलग तरीके से हम चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके की हमको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास का जो हमारा जो एनवायरनमेंट, उसको हम चेंज कर लेते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। तो हमने फसल उगाना सीख लिया है, हमने जानवरों को पालना सीख लिया है, हमने एक अच्छी लाइफ जीना सीख लिया है। दिस द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। तो बताते हैं कि कैसे हमने चेंजेस शुरू किए। तो देखिए सबसे पहले इंसान ने क्या बनाया, चक्का बनाया, काफ़ी हजारों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है, हमने व्हील कन्वेंशन कर दिया। उसके बाद हमने सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, सरप्लस का मतलब होता है भरपूर मात्रा में हमने खाना बना लिया, मतलब हमने फसल वगैरह बना ली। हमने बार्टर सिस्टम को स्टार्ट किया। बार्टर सिस्टम क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है बार्टर सिस्टम। सो द बार्टर सिस्टम इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो एक समय हुआ करता था जब लोगों के पास मनी नहीं हुआ करती थी, वो क्या करते थे, किसी एक चीज को लेने के बदले में कोई दूसरी चीज उसे एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कपड़ा खरीदना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा गेहूं है, मेरे पास थोड़ा सा वीट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना सारा गेहूं लेके जाऊंगा, शॉपकीपर को दूंगा, बोलूंगा मैं आपको इतना गेहूं देता हूं, आप मुझे अच्छा से कपड़ा दे दीजिए। तो ये रहा बार्टर सिस्टम, एक चीज आप बदलिए, एक चीज वो आपको देगा। तो एक्सचेंज का एक सिस्टम होता था। तो हमने विद टाइम, हमने जब मनी नहीं चलती थी, जब पैसे का प्रचलन नहीं था, तो हमने बार्टर सिस्टम बहुत काफी समय तक बार्टर सिस्टम का यूज किया था। ठीक है, और यहाँ पे फिर बताते हैं, व्हील बना लिया, बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया,
और ट्रेड ट्रेड स्टार्टेड, हमने व्यापार शुरू कर दिया, कॉमर्स डेवलप्ड, और जो पूरा आज बड़े लेवल पे जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो हमारा पूरा कॉमर्स है वो डेवलप हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर दिया। एक समय था जब हमारी पृथ्वी पर शायद ही आपको फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज देखने को मिला करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लाइन से इतनी फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज, हमने तरह तरह की फैक्ट्रीज बना ली, इंडस्ट्रीज बना दी, है ना। तो हमने इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को चेंज किया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और इन्फॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया, हमने हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बना लिया। आज हमें किसी और से बात करनी है, हम फोन करते हैं, हम उससे बात कर लेते हैं, ये सब पहले नहीं हुआ करता था। तो ये भी हमने क्या किया, हम अपने एनवायरनमेंट का ही तो यूज कर रहे हैं। जब हम फोन करते हैं जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे एटमोसफेयर से ही तो पास करके जाता है ना। तो हम अपने एटमोसफेयर को तरह तरह से यूज करके अपनी लाइफ को ईजी करते जा रहे हैं, और ये सब चीजें आती है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, और जो कुदरती जो हमारा वातावरण है, जो हमारा कुदरती जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट है, उसमें उसमें हमको क्या करना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत नुकसान आपको देखने को मिलेगा। और ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे, और हमको सीखना चाहिए कि हमको हमारे एनवायरनमेंट को एक अच्छे तरीके से हमको हमारे एनवायरनमेंट का यूज करना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है नूरी, जो कि मिजोरम की एक लड़की है, जो रवि की क्लास में बात करते हैं कि उसके घर के आसपास बहुत हरी हरी चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। तो रवि और वो ये सब बातें कर रहे थे प्लेग्राउंड में, ये लोग बातें कर रहे थे। तो इस तरह की ये जो स्टोरी है आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी सी एक स्टोरी है। तो इस चैप्टर में हमने इन्वायरमेंट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, और यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब ई अनंत फॉर मोर सच लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।